और हमारे जोगिंदर जी प्राध्यापक आपको गुड आफ्टरनून सर। एक मैं ललित यंग एक कश्मीरी कवयित्री है कक्षा 9 से, और जब भी हम इस को पढ़ते हैं तो बड़ा एक प्रभावित होते हैं। वाक जिस तरीके से आप कह सकते हैं कबीर के दोहे, मीरा के तुलसी की चौपाइयां जिस तरीके से प्रसिद्ध है, उसी तरीके से कश्मीर के अंदर उनके वाक, हालांकि गागर में सागर भर दिए हैं लल दिए थे, तो उन्हीं की कुछ पंक्तियां मैं आप सभी के समक्ष दोहराना चाहूंगा। बोले रस्सी कच्चे धाग की और खींच रही बना, ये श्वास जो हमारी है ये कच्चे धागे की तरह है, इसी के सहारे हम अपने जीवन रूपी नौका को चला रहे हैं, खींच रही बना जीवन रूपी नौका। रूपक कह सकते रस्सी कच्चे धाम की खींच रही मनाव, जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव भव सागर पार। न जाने परमात्मा मेरी पुकार को कब सुनेंगे और मुझे कब भव सागर से पार करेंगे। अब आपको भव सागर मतलब जन्म मरण के बंधन से क्या होना, मुक्त होना, कि परमात्मा मुझे किसी जन्म मरण के बंधन से क्या कर मुक्त कर, क्योंकि विवाह मतलब जिम्मेदारियों का एक, हम कहते विवाह हो गए हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई, विवाह का मतलब हमारी जिम्मेदारियां बढ़। तो मैं अपनी टॉपिक पर आना चाहूंगा, रस्सी कच्चे धाग की खींच रही मनाओ, जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव भव सागर पार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सपोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, पानी टपके कच्चे सपोरे, हम क्या है सपोरे यानी कच्चे पात्र हैं, हम कच्चा बर्तन है, इसमें से दिन प्रतिदिन हमारी ताकत क्या हो रही है दुर्बल हो रही है। जैसे जैसे हम एज हमारी बढ़ रही है वैसे वैसे हम क्या हो रहे हैं दुर्बल हो रहे हैं। पानी टपके कच्चे सपोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं, जी मैं उठती रह रहा हूं घर जाने की इच्छा है, हर समय मन में एक ही बात उठती है हम अपने असली घर जाना चाहते हैं। हमारा असली घर कौन सा है, हम ये घर हमारा असली नहीं है, जिस परमात्मा ने हमें जन्म दिया है, जिस परमात्मा ने हमारा दिन फिक्स कर रखा है कि हमें मरना है, हमारा असली घर वही है परमात्मा का घर। हमारा असली घर कौन सा है, कौन सा घर है, परमात्मा का घर, जहां हमें जाना है। यहां हम केवल एक स्टेज है, हम यहां पर अलग अलग प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, पार्ट अदा कर रहे हैं। तो रस्सी कच्चे धाग की खींच रही मना, जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी मैं रुकती रह रहा हूं घर जाने की चाह रही, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं और न खा कर बनेगा अहंकार। हम यदि अपने जीवन का उद्देश्य केवल खाना ही रखे कि हम खाएंगे सोएंगे, वो जानवर भी कर लेते काम। हम बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, हमें अपनी लाइफ बनाने के लिए पढ़ना भी है, आगे बढ़ने के लिए हमें प्लानिंग भी करनी है, खाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। न खाकर बनेंगे अहंकारी, आप फास्ट रख लीजिए आप में अहंकार आ जाएगा कि आज मेरा मंगलवार है मुझे शेर मत देना नहीं तो मैं क्या दे दूंगा, श्राप दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, सम मतलब समान, तो समान रूप से खाने का प्रयास कर, अपनी जिम्मेदारियों भी लगा लगा रहा। अभी आप स्टूडेंट हो, आपको प्रेम किससे करना है, केवल पुस्तकों से करना है, पुस्तकें आपके लिए सब कुछ है,
यही आपके लिए क्या है, पत्नी है, यही आपके पिता है, यही आपके सब कुछ यही है। एवरीथिंग एज के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे सारी चीजों की आपको आपको प्राप्ति होगी। लेकिन समय से पूर्व यदि हम किसी भी चीज के साथ हम यदि खिलवाड़ करते हैं तो वो हमारे लिए खुद हंसी का पात्र बन जाती है। समय से पूर्व हमें किसी चीज को पाने का प्रयास नहीं करना है, केवल हमें अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ना है। संका तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। साकल बंद द्वार की देखिए, बिना शिक्षा के व्यक्ति क्या है, जीरो है। आप किसी को स्कूल में भेजिए तो आपको 25 साल की उम्र में भी वो अंगूठा चूस कर दिखेगा। स्कूल जागृति लाना। जब संखा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। आपकी अज्ञान रूपी नेत्र ज्ञान में तभी परिवर्तित होंगे जब आप समान रूप से खाने का प्रयास करेंगे, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करेंगे। सेंस ऑर्गन्स आप सभी को पता है, यूनिवर्सल नीड, आप उन पर जब तक आप विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और उन पर नियंत्रण करने का प्रयास कीजिए। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, और सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिमाग। देखिए आई सीधी राह से, जब हमारी आत्मा मां के गर्भ में होती है तो हम क्या करते हैं उस परमात्मा से, हम क्या करते हैं, पुकार करते हैं कि परमात्मा हमें यहां से निकाल दे। क्योंकि मां 9 महीने हम जिस का हम मजाक बनाते हैं क्लास के अंदर, हर एक व्यक्ति ने उस मां से क्या लिया है, जन्म लिया है। तो हमें इस मां की कोख का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उसे अच्छी दृष्टि से हमें देखने का प्रयास करना चाहिए। आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, जब ये आत्मा इस संसार के अंदर आती है तो बड़ी स्वच्छ होती है, बड़ी निर्मल होती है। जैसे जैसे इसमें चालाकी आती है, कन्निंगनेस आती है, ये आत्मा क्या हो जाती है, उस्ताद हो जाती है। घर वालों को धोखा देना चालू, टीचर्स को धोखा देना स्टार्ट। तो गई ना सीधी राह, जब ये शरीर छोड़ता है और आत्मा जब चली जाती है तो वो इतनी स्वच्छ नहीं होती। जब आती है तो इसीलिए यहां पर ललन कवित्री ने बोला है कि आई सीधी राह से कहीं न सीधी राह, और सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन। उस परमात्मा को पाने के लिए 3 प्रकार की इंगला, पिंगला और सुषुम्ना, 3 प्रकार की नाड़ियां हैं जो आपको कंट्रोल करने के लिए इन 3 प्रकार के उससे गुजरना होता है। सुषुम्ना नारी बिल्कुल पर पहुंचने पर आपको भगवान का साक्षात्कार मिलता है, आप बिल्कुल उनसे मिल सकते हैं। तो आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर सुषुम्ना नारी रूपी पुल रूपक कह सकते हैं। जब आप इस स्थिति पर हो जाते हैं तो आप परमात्मा को पा सकते। तो आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिमाग। सुषुम्ना नारी रूपी पुल के सहारे भी भगवान को पाने का प्रयास किया लेकिन सब बेकार गया। परमात्मा ने जन्म दे दिया लेकिन सदकर्म के लिए, श्रेष्ठ कर्म के लिए। जब आप ऊपर जाएंगे वो आपसे पूछेगा कि तूने कितने अच्छे कर्म किए, तब आप क्या करोगे, जेब को टटोलोगे। जेब टटोली कोड़ी ना पाए, जेब टटोली कोड़ी ना पाए, और मांझी को तू क्या उतराए। मांझी क्या है, गुरु नाविक ईश्वर, तीनों के लिए प्रयोग कर सकते। जेब टटोली कोड़ी ना पाई, आज भी पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं, गुरुजनों को धोखा दे रहे हैं, लेकिन वहां क्या जवाब देंगे। आपको अच्छे कर्मों के लिए नीचे भेजा गया है, तिलक लगा के बैठते हैं आप, माला तो करने फिरे जीप फिरे मुकमाई, और मनुआ तो चौदिसी फिरे, या तो सुनी रहना है। अरे अंतर्मन को सुधारिए, तिलक लगाने से कुछ नहीं होता। जेब टटोली कोड़ी ना पाई, और मांझी वधु क्या उतराई। वहां पर ईश्वर मांगेगा, हिसाब मांगेगा, जितने दिन तू नीचे लगा के आया
क्या किया, कितने सत्कर्म किए, कितने दुष्कर्म किए, बता तो आप वहां पे हम क्या करेंगे। ये बटोरी घोड़ी ना पाए, कुछ नहीं मिला, अच्छे कर्म किए ही नहीं, सारी जिंदगी पूरी दृष्टि रखी, दूसरे के धन पर नजर रखी, चोरी चकारी पर नजर रखी, तो कहां से कर्म किए, तो जेब टटोली कोड़ी ना पाई, और मांझी को दूर क्या उतराई। थल थल में बसता है श्री, थल थल यानी बुद्धि प्रकाश का थल थल सर्वत्र वो शिव परमात्मा बसता है। थल थल में बसता है श्री, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, हमें कोई राइट नहीं कि हम धर्म के आधार पर आपस में क्या करें, भेदभाव करें। हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई बच्चा यदि पैदा हुआ है आप नहीं कह सकते हैं अगर मुस्लिम है तो क्या किसी ने देखा है टोपी डाल के आ रहा है, हिंदू के हाथ में माला देखी किसी ने, देखी हो किसी ने, बच्चा आया हो सरदार पगड़ी लगा के आया हो है और गॉड का साइन हो, क्रिश्चियन में देखा हो किसी ने, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, थल थल में बसता है श्री, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यदि आप ज्ञानी हैं मेडिटेशन किया कीजिए सोने से पूर्व, आप अपने बारे में जानने का प्रयास कीजिए कि आज मैंने कितने अच्छे कर्म किए, आज मैंने कितने बुरे कर्म किए, एक मेडिटेशन किया है, दो मिनट के लिए एक डायरी सिस्टम बनाइए, आज मैंने ये गलत कार्य किया, इसको मैं जीवन में आगे नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, ऐसा संकल्प लीजिए। इनसे पहले हम मम्मी की कसम खा लेते हैं, मैं देखता हूँ यहाँ पे मम्मी कसम मैंने नहीं किया सर, ऐसा बोला जाता है। आज जिनकी वजह से हम टाई लगाकर बैठे हैं, जिनकी वजह से हमारा वजूद है, हम उनको एक मिनट में कसम दे देते हैं, तो प्यारे बच्चों ऐसा गलत है। तो थल थल में बसता है शिवी, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। जब आप खुद अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करना स्टार्ट कर देंगे, अपना सेल्फ मूल्यांकन करना स्टार्ट कर देंगे, जब आप में इतनी बुद्धि आ जाएगी तो आप परमात्मा के स्वयं ही बहुत नजदीक हो जाएंगे। और इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ समझ में, ये तो वैसे पहली बार खड़े खड़े चलो सच।